हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आज एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में ना पेपर रहेगा जो एडवर्टाइजमेंट है 11/2019, उसमें कैटेगरी 16, और ये है लोअर डिविजनल क्लर्क का, हेड ऑफिस कैडर का है, और ये इवनिंग की शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, देखिए इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उनमें तो हमें ऑप्शन दिखाई नहीं देते थे, और अब ये वीडियो रहेगी, इसमें ये ऑफिशियल की के साथ है ये। ठीक है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन का बटन भी अवश्य दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए। और यदि फ्रेंड्स आपका एग्ज़ाम अभी होने वाला है तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ से ना आपको ये पता लग जाएगा कि HSSC किस प्रकार का पैटर्न दे रही है और किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विनाश का विलोम शब्द ढूंढें। तो देखिए, विनाश का जो विलोम होता है इसमें आएगा सृजन, और इसमें ऑप्शन बी सही है। आगे है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो देखिए, कृतज्ञ है, इसका विलोम कृतघ्न होता है, और ये सही है। आगे है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो देखिए, जो मिहिप है इसका पर्यायवाची देखना है, तो इसका आएगा भू, और इसमें बी ऑप्शन सही है। आगे है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो देखिए, असी है, इसका पर्यायवाची देखना है, तो ये आएगा करवाल, और ये सही है। अब देखिए, आपको बता दें कि जो असी शब्द है इसका अर्थ होता है तलवार। ठीक है, और तलवार को करवाल भी बोलते हैं, और ये सही रहेगा। और ऑप्शन और भी, तलवार को बोलते हैं खड़क भी बोलते हैं। ठीक है, तो असी का अर्थ तलवार होता है और करवाल का भी तलवार होता है, तो ये सही है। आगे है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो देखिए, चमन है, इसका पर्यायवाची बाग, ये सही रहेगा, क्योंकि चक्षु तो आँखें का पर्यायवाची होता है, पाहन पत्थर का होता है, और प्रभु भगवान का होता है। ठीक है, तो चमन का बाग आएगा। आगे है, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो देखिए, शेर के दांत गिनना, ये मुहावरा है, इसका सही अर्थ रहेगा दुस्साहसपूर्ण काम करना, और इसमें ऑप्शन ए सही है। आगे है, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो देखिए, एक और मुहावरा पूछा गया है, इसमें है मुहावरा मुंह में पानी आना, तो देखिए ये है ललचा जाना, और ये सही है। आगे है, दिए गए एक वचन का बहुवचन बताइए। तो देखिए, एक वचन का बहुवचन बताना है, तो कलम है, कलम का बहुवचन कलमे होगा, और इसमें भी ऑप्शन सही है। आगे है, दिए गए बहुवचन का एक वचन बताइए। तो देखिए, जो शब्द है छत्रियाँ, इसका एक वचन बनेगा छत्री, छत्री से छत्रियाँ बनता है। ठीक है, आगे है, दिए गए बहुवचन का एक वचन बताइए। तो देखिए, बहुवचन है, शब्द है ये गलियाँ, तो गलियाँ का एक वचन होगा गली, गले नहीं होता, गलों या गाले ये नहीं होता, गली का गलियाँ होता है। ठीक है, और इसमें ऑप्शन सी सही है। आगे है, देखिए 10 क्वेश्चन थे इसमें हिंदी के, आगे अब इंग्लिश के शुरू होते हैं। तो ये जो 11वां क्वेश्चन है इसका ए ऑप्शन सही है। 12वां क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सी सही है। 13वां क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन डी सही है। 14वां जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन ए सही है। 15वां क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बी सही है। 16वां क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बी सही है। 17वां क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए सही है। 18वां क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए सही है। 19वां क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन डी सही है। 21वां क्वेश्चन है, देखिए भारत के 10वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे, आगे से देखिए इन्होंने अटल बिहारी सही दिखाया गया है, लेकिन ये तो 11वें थे, और जो 10वें प्रधानमंत्री थे ये नरसिंह राव थे। ठीक है, तो अगर किसी ने नरसिंह राव किया है और उसका ये गलत आया है, तो वो ऑब्जेक्शन लगा सकता है।
इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगेगा, क्योंकि अटल बिहारी 11वें थे और नरसिंह राव 10वें थे, और पूछा भी 10वां ही प्रधानमंत्री गया है, तो ये नरसिंह राव आएगा इसमें सही ऑप्शन। आगे हैं, भारत के किस राज्य में पहली महिला राज्यपाल नियुक्त की गई? तो देखिए, जो पहली महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी ये उत्तर प्रदेश में की गई थी, और इसमें ऑप्शन सी सही है। अब ये देखा जाए कि कौन थी वह महिला जो पहली राज्यपाल बनी, तो वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू बनी थी जो पहली महिला राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और देखिए, इसकी एक लड़की है जिसका नाम है पद्मा नायडू, पद्मा नायडू है इसकी लड़की। ये ना पश्चिम बंगाल की 11 साल के कार्यकाल के साथ सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पहली महिला राज्यपाल भी बनी है, ठीक है। इन्होंने 11 साल तक लगातार सबसे अधिक कार्यकाल करने वाली, सबसे लंबे समय तक की शासन करने वाली राज्यपाल बनी है ये पद्मा नायडू, जो कि सरोजनी नायडू की लड़की है। आगे है, गैल्वेमीटर क्या मापता है? तो देखिए, ये विद्युत प्रवाह को मापता है, और इसमें ऑप्शन डी सही है। आगे है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो देखिए, जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है ये बरगद का पेड़ है, और ये सही है, इसमें ऑप्शन ए। और आपको बता दें कि जो हरियाणा का राष्ट्रीय वृक्ष है वो पीपल का पेड़ है, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से किस शहर में अधिकतम वर्षा होती है? तो देखिए, ये चेरापूंजी में होती है, और इसमें ऑप्शन सी सही है। आगे है, निम्नलिखित में से किस भारत ने एक ऑस्कर जीता? तो देखिए, किस भारतीय ने एक ऑस्कर जीता था? तो ये जीता था ए आर रहमान ने, और ये एक संगीत गायक हैं, ठीक है। आगे है, सिस्मोलॉजी किस अनुशासन का अध्ययन है? तो देखिए, जो सिस्मोलॉजी है ये भूकंपों का अध्ययन के लिए जाना जाता है, और इसमें ऑप्शन बी सही है। आगे है, क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 क्या है? तो देखिए, जो अनुच्छेद 17 है ये है अस्पृश्यता का उन्मूलन, और इसमें ऑप्शन सी सही है। और आपको बता दें कि जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं ये 6 हैं, और ये कहाँ से लिए गए? तो ये अमेरिका से लिए गए थे, और ये भाग 3 में आते हैं, ठीक है। आगे हैं, भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो देखिए, ये आ भी गया ये क्वेश्चन, तो भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं, और ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका से लिए गए हैं, ये भाग 3 में आते हैं। और ये आपको ना ये बताना है कमेंट करके कि जो तीसरा मौलिक अधिकार है वो कौन सा है। आगे हैं, 18 सितंबर 2019 तक सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे? तो देखिए, 2019 तक देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं, और इसमें ऑप्शन ए सही है। आगे है, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हरियाणा को किस प्रांत के हिस्से के रूप में प्रशासित किया गया था? तो देखिए, इसे पंजाब के हिस्से के रूप में प्रसारित किया गया था, और इसमें ऑप्शन ए सही है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का लोकगीत है? तो देखिए, हरियाणा का जो लोकगीत है ये 12 मासा है, वो डी ऑप्शन सही है। आगे है, हरियाणवी किस लिपि से उत्पन्न हुई? तो देखिए, जो हरियाणवी भाषा है ये किस लिपि से उत्पन्न हुई? तो ये हुई देवनागरी से, और ये सही है। और आपको बता दें, जो हरियाणा की भाषा है ये हिंदी है, तो ये भी साथ साथ में आपको याद रखना है। आगे है, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? तो देखिए, जो पोटेशियम है इसकी परमाणु संख्या 19 है, और बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा है? तो देखिए, जो हवाई अड्डा है हरियाणा में ये है हिसार एयरपोर्ट, और ये सही है। और जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है ये दिल्ली में है। आगे है, निम्नलिखित में से किस अनुशासन में हरियाणा सबसे प्रसिद्ध है? तो देखिए, हरियाणा खेल में सबसे प्रसिद्ध है, और इसमें ऑप्शन सी सही है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध क्रिकेटर हरियाणा का है? तो देखिए, जो कपिल देव हैं ये हरियाणा के क्रिकेटर हैं, और ये सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा को डैश की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, हरियाणा को रोटी की भूमि के रूप में जाना जाता है, और इसमें ऑप्शन बी सही है, क्योंकि हरियाणा में ना सबसे अधिक गेहूं की फसल की जाती है,
और इसलिए ये रोटी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो हरियाणा की जो वित्तीय राजधानी है वह शहर है गुरुग्राम शहर, और इसमें ऑप्शन सी सही है। और इसे ना गुरुग्राम को साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर एकलव्य का मंदिर भी है जो गुरुग्राम के खांडसा गांव में है। और यहाँ पर सीएफएल में सबसे प्रथम जो गांव है बिनोला गांव वो भी है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में लड़ी गई प्रसिद्ध लड़ाई कौन सी थी? तो देखिए हरियाणा में जो लड़ी गई वो पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई थी, और इसमें ऑप्शन ए सही है। और पानीपत की तीन लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। पहली लड़ी गई थी 1526 में, दूसरी 1556 में, और जो तीसरी लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी 1761 में। तो आपको ये भी याद ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का गठन किस आंदोलन के कारण हुआ? तो देखिए जो हरियाणा का गठन हुआ था ये हुआ था पंजाबी सूबा आंदोलन के कारण, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से प्रसिद्ध प्राचीन कवि हैं? तो देखिए जो हरियाणा के प्रसिद्ध प्राचीन कवि हैं ये हैं सूरदास, और इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस प्रसिद्ध लेखक ने हिंदी में संध्या पत्रिका की शुरुआत की? तो देखिए जो संध्या पत्रिका है इसकी शुरुआत की थी पंडित नेकीराम शर्मा ने, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो देखिए जो हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है ये है मोरनी, और इसमें ऑप्शन सी सही है। और आपको बता दें जो मोरनी है इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है करो, और जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है? तो देखिए जो हरियाणा में बांध है ये है ओटू बैराज बांध, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए हरियाणा की जो सबसे बड़ी झील है ये है दमदमा झील, और इसमें ऑप्शन सी सही है। और जो दमदमा झील है ये गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में जो सोना है वहाँ पर ये है दमदमा झील। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी कौन सी है? तो जो हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी है ये है घग्गर नदी, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सबसे भारी धातु है? तो देखिए ये है प्लेटिनियम, और इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, 2019 में हरियाणा का संवैधानिक प्रमुख कौन था? तो देखिए ये हरियाणा का राज्यपाल पूछा गया है, तो ये है सत्यदेव नारायण आर्य, और ये सही है। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं ये हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि हमारे सीएम हैं। और हमारे उप मुख्यमंत्री हैं जो दुष्यंत चौटाला हैं ये, और जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं ये हैं श्री रणबीर सिंह गंगवा, ठीक है। और जो दुष्यंत चौटाला हैं इनकी पार्टी का नाम है JJP, और इसे यूथ आइकॉन के अवार्ड से भी नवाजा गया है, और ये JJP जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। इससे पहले जो इनकी पार्टी थी वो थी नेशनल लोकदल पार्टी। आगे है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो देखिए ये होते हैं राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और राज्य के राज्यपाल, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो देखिए जो हरियाणा विधानसभा है इसमें अधिकतम मंत्री 14 हो सकते हैं, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो देखिए जो आधुनिक हरियाणा है इसका वास्तुकार बंसीलाल लेघा को माना जाता है, और इसमें ऑप्शन डी सही है। और आपको बता दें जो भगवत दयाल शर्मा है ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का स्तंभ मूल रूप से कहाँ स्थापित किया गया था? तो देखिए जो अशोक का स्तंभ है ये अंबाला में स्थापित किया गया था, और इसमें ऑप्शन ए सही है। और पानीपत ऑप्शन है, यहाँ पर तीन लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। आगे है, हरियाणा में लगने वाला मेला निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो देखिए जो हरियाणा में लगने वाला मेला है वो आएगा गोपाल मोचन मेला, और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा मूल रूप से एक डैश राज्य था। तो देखिए हरियाणा मूल रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है, और इसमें ऑप्शन ए सही है। देखिए इससे आगे कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का उपयोग सारे टेक्स्ट का चयन करने के लिए किया जाता है? तो इसमें हम ऑप्शन बता देंगे, ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की माँ कहा जाता है? तो देखिए सी लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की माँ कहा जाता है, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो देखिए ये है एक प्रोग्राम, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयचर है? तो देखिए जो मेंढक है ये उभयचर है, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रण तकनीक के आधार पर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सीआरटी मॉनिटर में सीआरटी का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए ये है कैथोड रे ट्यूब, और इसमें ऑप्शन सी सही है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ना आप कंप्यूटर के क्वेश्चनों को देख लेना, क्योंकि अब आगे एग्जाम होने वाले हैं, उनमें आपको अवश्य फ़ायदा होगा, और ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन सबसे सस्ता है? तो देखिए जो सबसे सस्ता कनेक्शन है वो है डायल अप कनेक्शन, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी के लिए पावर पॉइंट मूल रूप से बनाया गया था? तो देखिए ये बनाया गया था एप्पल मैकिंटोस के लिए, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में भिन्न कहाँ से मिलेगा? तो देखिए एमएस वर्ड में भिन्न मिलेगा इक्वेशन टूल से, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सिस्मो मोनीमीटर किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? तो देखिए ये किए जाते हैं रक्तचाप को मापने के लिए, और इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, विषम चुने, तो ऑप्शन ए है प्राणी विज्ञान, बी है भौतिक विज्ञान, सी है ऊतकी, और डी है शरीर रचना। तो देखिए इसमें विषम है भौतिक विज्ञान, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अभी रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो देखिए जो 67 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर ए है, ये आप निकाल कर देख लेना, यहाँ पर ऑप्शन बता देती हूँ। अगला क्वेश्चन है 68, तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला है 69, तो इसके में ऑप्शन ए सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 70, और इसमें ऑप्शन ए सही है। देखिए ये कोड वाले हैं, और ये आप डाल कर देख लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, और इसमें ऑप्शन बी सही है। इसमें मैं आपको पूरा करके दिखा देती हूँ। अगला क्वेश्चन है 72, और ये 72 है, अमित अपने घर से 6 किलोमीटर पूर्व में जाता है, और फिर एक खिलौने की दुकान से अपने स्कूल की ओर 8 किलोमीटर चलने के लिए एक दाहिनी ओर मुड़ता है। उसके घर से स्कूल की न्यूनतम दूरी क्या है? तो देखिए इसमें ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जॉन उत्तर की ओर बढ़ता है फिर अपने दाई ओर मुड़ता है, उसके बाद दाई ओर फिर अंत में फिर से सदाई ओर मुड़ता है, अब वह किस दिशा में बढ़ रहा है? तो देखिए वह पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है, ये आप निकाल कर देख लेना। अगला क्वेश्चन है, एम एन का पिता है जो ओ का भाई है जो पी की माँ है, एन और पी के बीच क्या संबंध है? तो देखिए ये रिलेशन वाला है, और इसमें ऑप्शन बी सही है, एन पी का मामा है। अगला क्वेश्चन है, ए बी की बहन है जो सी का भाई है जो डी का पिता है जो ई की बहन है, तो बी और ई के बीच क्या संबंध है? तो देखिए बी और ई के बीच जो संबंध है वो है ई बी का भतीजा है, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित नामों का वर्ण क्रम कर्म व्यवस्थित करना है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है, ये आप करके देख लेना। धीरे धीरे करके ये पूरा पेपर की ऑप्शन बता देती हूँ। जो 77 नंबर क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन डी सही है।
आगे है 78, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। आगे है 79 और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है 81 और इसमें 81 में ऑप्शन बी सही है। देखिए पहले पांच प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो वो 55 होगा और ये बी सही है। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु की लागत मूल्य इसकी बिक्री मूल्य का 18% है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत है, तो देखिए इसमें ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है अमित को 35 किताबों को बेचने पर 5 किताबों के विक्रय मूल्य की हानि हुई, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा, ये होगा 12.5% और इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है यदि एक पेट्रोल की कीमतों में 15% की वृद्धि हुई लेकिन इसकी खपत में 15% की कमी हुई, तो व्यय में वृद्धि या कमी किस प्रतिशत से हुई, तो देखिए इसमें ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हिमांशु अपनी आय का 70% खर्च करता है, उसकी आय 25% की वृद्धि हुई और वह अपने व्यय में 15% की वृद्धि करता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो देखिए ये हुई 48.34% की और इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है ए और बी बी के बीच अनुपात है 7:3 और इसके अनुपात में 600 रुपये विभाजित कीजिए, तो देखिए ये 600 रुपये बांटने हैं इनके बीच में, तो इसमें ऑप्शन ए सही रहेगा। ए को मिलेंगे 420 रुपये और बी को मिलेंगे 180 रुपये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, 3, 15 और 27 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, तो वो 135 होगा और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है यदि लगातार 8 संख्याओं का औसत 17 है तो तीसरी और छठी संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये आएगी 34 और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट केवल 2.5 था, 151 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 15 ओवरों में रन रेट क्या होनी चाहिए, तो देखिए ये रन रेट होनी चाहिए 8.4 की और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है अमित 75 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से एक दूरी तय करता है और 50 किलोमीटर पर आवर की दर से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है, तो उसकी औसत गति क्या है, तो देखिए उसकी औसत गति है 60 किलोमीटर पर आवर और इसमें ऑप्शन सी सही है। तो देखिए फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। यदि आपका एग्ज़ाम किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं HSSC के किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखना और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए। थैंक यू।